हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे एक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान। अभी कल मुझे एक बहुत ही ख़राब सा न्यूज़ थी मिली, तो आई नो आप सबको जो है मिल चुकी होगी। एक लड़की का बहुत मतलब उसे बहुत टॉर्चर किया गया और रेप हुआ, और कुछ चार जो एक मॉन्स्टर्स थे वो साथ में उनके मतलब साथ में एक लड़की भी थी उनके, उन चार मॉन्स्टर्स के साथ में, और उन पांचों ने मिलके उसके साथ वो उतनी बुरी हरकत की है। और कल से ना बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन सी जो है मतलब फैल रही थी। और मैं कल ऑफिस में था और सडनली मेरे पास मेरे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर और मतलब दो चार वो सब्सक्राइबर्स के मेरे पास जो है मैसेज आए, और वो मुझे बोल रहे थे कल से ही कि मैं इस पे जो है एक एक्शन वीडियो जो है बनाऊं। पर जैसे कि मैंने कल को जो है एक कम्युनिटी पोस्ट था डाला कि मैं नहीं जो है बनाना चाहता, क्योंकि मतलब बहुत से जो है यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए उस जो लड़की के साथ हुआ और जो उसकी वीडियो है मतलब उसको अपने चैनल पे दिखा रहे थे ब्लर करके, ब्लर करने का भी कोई जो है फ़ायदा हो नहीं रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ऑब्वियस था, और मैं वैसी हरकत नहीं करना चाहता था। तो इसलिए मैंने कल जो है मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं शूट करूँगा। पर आज जब मैं आज ऑफिस में था अपने, तो फिर से मेरे पास एक बहुत पुरानी मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उनसे मेरी जो बात होती है कभी कभी, तो वो मुझे थी बोल रहे कि आपको वीडियो जो है बनानी चाहिए, जो उसी वीडियो पे मैं आज मैं एक्शन देने वाला हूँ। और वो कह रही है कि उस केस को बहुत ज़्यादा मतलब उसके जो वो फैक्ट्स हैं थोड़ा सा ऐसे तोड़ मोड़ के लोगों को थोड़ा जो है पता है, मतलब किसी को भी कंप्लीट मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लड़की कहाँ की थी, क्या थी, मतलब कहाँ की थी, और वो उन मतलब उन दरिंदों के हाथों में जो है कैसे फंस गई। और एक ना मतलब मैंने ये भी सुना है, मतलब मेरी उन सब्सक्राइबर्स ने ही बताया कि दो दो केसेस को जो है वो आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। राजस्थान जोधपुर में एक नागालैंड की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, और उस केस को इस जो लड़की के साथ रेप हुआ उसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है, ये कह के कि वो जो नागालैंड वाली वो लड़की ने जो जोधपुर में सुसाइड किया वो वही लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ। तो ऐसा नहीं है, दोनों केसेस बहुत बहुत मतलब दोनों केसेस अलग अलग हैं, वो दोनों लड़कियां एक ही लड़की नहीं है, ठीक है। जिस मतलब वो लड़की के साथ वो हैवानियत हुई, वो रेप हुआ, वो लड़की अलग है, और जिस लड़की ने सुसाइड किया जो नागालैंड की थी और जोधपुर में जिसने सुसाइड किया वो लड़की अलग है। तो मतलब ऐसे ही बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, और मेरी उन सब्सक्राइबर्स ने बहुत बहुत फोर्स किया मुझसे, मेरी उनसे थोड़ी देर जो है चैट भी हुई, और फिर उन्होंने बोला कि मुझे इस पे जो है वीडियो करनी चाहिए। तो मैंने कहा, तो मैं थोड़ा जो है मान गया कि मैंने कहा हाँ मतलब अगर सही में बहुत सी अगर ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन तो मुझे इस वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए, ताकि बहुत से लोगों को सही से मालूम पड़े कि एग्जैक्टली वो जो चार पांच वो लड़के थे और चार लड़की और वो जो एक मतलब उनके साथ एक लड़की थी, उन पांचों ने मिलकर जो वो उस लड़की के साथ किया वो कहाँ से थे। तो आज की न्यूज़ आई है कि उन चारों को, जो चारे चारों वो लड़के हैं, उनको बेंगलोर में जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और वो चारों के चारों बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो को देख के जो है मालूम पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी अब तक वीडियो नहीं देखा है। बाकी देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी,
और फिर उसके बाद हम करेंगे बात। और मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा इस टॉपिक पे जो बात की, और तभी जो हमारी गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में आई और उन चारों को जो है पकड़ लिया गया। वरना अगर इतना ज़्यादा ये मतलब इंसिडेंट न्यूज़ में ना होता तो वो चारों अभी भी ऐसे फ्री वो घूम रहे होते। सो थैंक यू। और जो मैंने कल को अपने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि उस लड़की की जो अगर किसी के पास भी वीडियो क्लिप है वो जो रेप हुआ है, प्लीज़ उसको डिलीट कर दो और आगे और स्प्रेड मत कर, मतलब उसे और जो है बदनाम जो है मत करो। मतलब अगर वो रिकवरी जो है कर भी रही होगी, वो वही सब जो भूलना चाह भी रही होगी, तो आपके ऐसे स्प्रेड करने से वो इस फेस से कभी जो बाहर आ ही नहीं पाएगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और स्प्रेड मत करो, और शेयर तो बिल्कुल मत करो भाई, ठीक है? और कोई आपको शेयर करे तो उसको भी बोलो कि यार शेयर मत कर और डिलीट कर दे वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर करेंगे अपनी बातें। 1 2 In my previous video, I told you how police from four different states joined forces in an unprecedented show of coordination and cooperation and swung into action to identify and arrest the monsters from the assault video that had left the nation outraged. But while the video made headlines in India, the ripples of it were also felt back in Bangladesh, where the accused and the victim originally belong, as per the police. The Bangladesh police also became quite active and started investigating after the horrific videos of the girl's brutal assault started surfacing. According to a report, Dhaka police says that they have analyzed the video clip footage. They found a man from the Hatir Jhil area of Dhaka resembled one of the men seen assaulting the young girl, who is all of 23 years old. The man has been identified as Rifazul Hridoy, who also goes by the name TikTok Hridoy Babu. He could be in his late 20s and is apparently an illegal migrant from Bangladesh who is involved in the human trafficking business, according to the reports. Now, Hifaz Al Farooq, the additional deputy commissioner of police, Tejgaon Division of Dhaka, said, "A few days ago, a video went viral on social media in Bangladesh showing a 20-something woman being subjected to inhumane physical and sexual abuse. The video caught our attention in routine cyber patrolling. In the video, the face of the sexually abusive person resembles the Facebook ID picture of a young man from Nayatola in Hatir Jhil area of Dhaka. Based on this information, the exact name and address of the young man were identified. Questioning the family members of this young man, it was confirmed that the identified person was one of the girl's torturers. Based on the initial investigation, Bangladesh police suspect that the girl was lured by promises of love by this man named Hridoy and was trafficked to India. The report further claims that she was being sexually abused routinely. The Deputy Commissioner of Police from Dhaka's Tejgaon area, Mohammad Shahidullah, confirmed Hridoy and his friends are involved in trafficking and they routinely torture young women. He said, "A national identity card, a JSE exam admission card and some other documents were recovered from TikTok Hridoy's house." Recently, the girl's father had also filed a missing persons complaint with the Dhaka police in Bangladesh. Now, quoting family members of the victim, Bangladesh police said the girl dropped out of school after the third grade itself. Her family's financial situation is not very good and she hails from a small district of Dhaka division. A report further quoted the Bangladesh police saying that the girl got married in 2014 and her husband is in Kuwait. The family in the father-in-law's house allegedly tortured her, so she lived at her father's home even after marriage. She tried to go to Saudi Arabia for a better life, but she was cheated by the brokers who took 30,000 Bangladeshi taka from her. And it was this incident after which the young woman went missing and her family could not find her. The police even said that she has a 4-year-old child in Dhaka, as per the report. Now, according to the police, the identified perpetrator is Rifazul Hridoy. He is 26 years old and used to live with his family in Bau Bazar area of Nayatola, which falls under Hatir Jhil police station in Dhaka. In the area, he is known as TikTok Hridoy Babu and is popular. He studied up to the 8th grade and Hridoy Babu would often make videos with his friends all day long and is thought to have left for India some 4 months ago.
And you wouldn't be surprised to know that this man is also wanted in Bangladesh. There is a case against him filed with Rama police station back in 2014 for allegedly planning a robbery. His family members have claimed that Hrudoy has no contact with them. Now, a police official has said that he tactfully contacted Hrudoy from his uncle's WhatsApp number to ascertain his whereabouts. On this call, Hrudoy said that he went to India some 3 months ago. When the police officer wanted to know the details of the young woman, he sent his Aadhaar card on WhatsApp. Based on the information given by him, the family of the victim was traced by the Dhaka police in Bangladesh. And now, with Hrudoy's arrest in Bengaluru, all the pieces of this puzzle seem to be falling in place. And hopefully, this monster of a criminal will be soon brought to justice for all his crimes in India and back in Bangladesh, from where he has illegally migrated to India and also trafficked many others. Friends, let me know, what are your thoughts on this chilling story which has so many layers and it is unfolding like some Bollywood mystery? You can of course subscribe to my channel if you find my videos worth it. We can connect and chat on Instagram. My handle is @thereatereviewron. But even if you don't do any of that, thank you so much for watching this one. Please take care of yourself and those around you. Jai Hind. So, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन. सही में जाके मालूम पड़ा कि वो लड़की जो थी वो कहाँ से थी. कहाँ से लड़की कहीं से भी हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. और जैसा कि बताया कि लड़की बहुत फाइनेंशियली वीक फैमिली से थी और बहुत कुछ लाइफ में देख चुकी थी. हस्बैंड की फैमिली से जो है टॉर्चर, फिर खुद के लिए उसने जो है वो सऊदी अरेबिया जाना चाहा तो वहाँ पर भी उसके साथ धोखा हुआ. तो इस तरह की जो होती लड़कियाँ जिन्होंने इतना कुछ फेस किया होता है, तो इस तरह के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ऐसी लड़कियों को ही टारगेट करते हैं. तो जो भी था बहुत बुरा हुआ. बेचारी सिर्फ एक अच्छी लाइफ चाहती थी और अब तो उसकी लाइफ इन दरिंदों ने नरक ही कर दी है. बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, पता नहीं, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो जो बाहर से जो आते हैं इलीगली, वो अक्सर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं. मैं ये नहीं कहता कि सभी होते हैं, पर ज़्यादातर वो होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ रिसोर्सेज तो होते नहीं हैं खाने पीने के लिए. तो वो फिर जो है क्रिमिनल बन जाते हैं ऑटोमेटिकली. और ये मतलब कितना कितना कम एज का है ये भी, और इतने बड़े बड़े, मतलब इसको तो वो सज़ा मिलनी चाहिए. क्या बताऊँ मैं, बेचारी के साथ कितना बुरा किया. और शुरू में जब ये न्यूज़ आई थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये नागालैंड की लड़की है, मतलब जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसको नागालैंड की लड़की कह के बहुत सी मतलब न्यूज़ को जो है वो फैलाया जा रहा था. अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो नागा गर्ल वीडियो कुछ ऐसा सर्च करोगे तो मतलब उस लड़की की जो है ना सारी जो वीडियोस हैं और वो सब है, मतलब जिन्होंने उस पर बात करी है वो सब आता है. मतलब ये जो कीवर्ड है नागा गर्ल वीडियो, ये उसको जोड़ दिया है उससे. तो वो लड़की नागालैंड की नहीं थी, जिस लड़की ने सुसाइड किया है जोधपुर में वो थी नागालैंड की, और वो बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी है. और ये जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ वो इवन इंडिया की भी नहीं है, वो है बांग्लादेश की. पर वो जहाँ के भी हो, किसी लड़की के साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन चारों को जो भी ये जो है पकड़े गए हैं, और उस साथ में जो इनके साथ एक और एक फीमेल थी उसको भी. किसने सही कहा यार, एक फीमेल ही दूसरी फीमेल की वो दुश्मन होती है. वो लड़की होके मतलब इन चारों का साथ दिया. बहुत बुरा लगता है सब देख. कल से मेरा दिमाग बहुत ख़राब है. मैंने कहा भाई गर्ल्स थोड़ा सेफ रहा करो और जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत किया करो, ठीक है? क्योंकि देखो लड़का तो ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है. और मैं कल एक ऐसी एक वीडियो आई थी रिकमेंडेशन में, एक
नॉर्थ ईस्ट का था लड़का, तो वो था बता रहा कि जो नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स होती हैं, सभी तो नहीं, और वो जो जब आती हैं यहाँ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, तो वो यहाँ की जो है चकाचौंध देख के वो अपने गांव जाना छोड़ देती हैं, और यहाँ पर जो है जो मौज मस्ती करने लगती हैं, वो जो वो लड़का था वो ये सब बातें बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातों से उससे सहमत हूँ। हर लड़की को चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे कहीं के भी हो, अपने आप को सेफ रखना चाहिए, और किसी को भी मतलब अपने सेफ्टी वाले जोन के अंदर नहीं आना देना चाहिए, अनलेस अंटिल आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और देखो ट्रस्ट एक बड़ा ही अजीब सा केस है, सही में कभी कभी मालूम नहीं पड़ता कि किस पर ट्रस्ट करें किस पर नहीं करें। एक बड़ी अच्छा एक डायलॉग है महाभारत का, जो मामा शकुनी ने कहा था कि विश्वास में ही विष का वास होता है, कि अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पर विश्वास होता है। तो फिर भी थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट करो, पर किसी के ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ऐसे बहुत से केसेस मैंने सुन रहे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, रेप केसेस तो बहुत ही है। और जो ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं, जैसे कि ये बताया कि ये जो लड़की थी और वो जो लड़का था, वो दोनों ऑनलाइन मिले थे, ऑनलाइन केसेस वाले तो आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं। एक और केस हुआ था महाराष्ट्र में, पता नहीं कहाँ पर, कि एक ऑनलाइन दो लड़का लड़की जो दोस्त बने थे, लड़की मिलने आई लड़के से, और लड़के ने अपने फ्रेंड के साथ मतलब 24 जने के साथ मिल के जंगल में उसके साथ रेप किया। तो प्लीज़ जो ऑनलाइन बात बात करते हैं तो थोड़ा सेफ रह के, ये ऑनलाइन कोई भी कुछ और होता है और सामने से कुछ और होता है, तो सेफ रहिए। बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और आई होप आप सबको सब कुछ अब क्लियर हो गया हो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।